हे गाइस, आप देख रहे हो इंजन स्टार्ट। गाइस, आज मैं आप सबको दो बाइक के अंदर कंपेयर करके दिखाने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, एक है बजाज एवेंजर 160 BS6 और दूसरा है टीवीएस अपाची 160 BS6। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंट दिखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों, इन दोनों बाइक की आउटलुकिंग को हम देख लेते हैं। यहाँ पे अपाची का जो आउटलुकिंग है वो काफी नाइस एंड स्टाइलिश है, आप देख रहे हो आपके सामने है। BS6 पे दोस्तों कोई भी डिजाइन पे फर्क नहीं आया। एवेंजर को देखो, यहाँ पे भी काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन आप देख पाओगे। इसको देख के लगता है कि ये रॉयल कंपनी का बाइक है। यहाँ पे दोस्तों एवेंजर का स्टाइल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अपाची का जो हेडलाइट का डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये काफ़ी नाइस डिज़ाइन है। और ये हैलोजिन बल्ब है, यहाँ पे हैलोजिन बल्ब देख पाओगे, कोई भी LED नहीं है। एवेंजर की हेडलाइट की डिज़ाइन को देखो, आपको लगेगा कि ये रॉयल कंपनी की बाइक की हेडलाइट की डिज़ाइन है। यहाँ पे भी दोस्तों आप हैलोजिन बल्ब देख पाओगे, कोई भी LED नहीं है। अपाची की जो सामने की सस्पेंशन है, यहाँ पे आप टेलीस्कोपिक फॉर्क विथ हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन आप देख पाओगे। एवेंजर की जो सामने की सस्पेंशन है, यहाँ पे आप टेलीस्कोपिक विथ डबल एंटी पेशियन बूस्ट सस्पेंशन आप देख पाओगे। अपाची की सामने की ब्रेक को देखो, यहाँ पे आप 270 mm का डिस्क ब्रेक देख पाओगे। सामने और पीछे दोनों टायर ही अपाची का ट्यूबलेस है। एवेंजर की सामने की जो ब्रेक की साइज है, यहाँ पे आप 280 mm का डिस्क ब्रेक देख पाओगे। दोस्तों डिस्क ब्रेक की साइज पे सिर्फ फर्क हमें देखने को मिला। अपाची की सामने के टायर की जो साइज है, यहाँ पे 1990/17 का साइज आप देख पाओगे। एवेंजर की सामने के टायर की जो साइज है 1990/17 49P का साइज आप देख पाओगे। एवेंजर का भी दोनों टायर ही ट्यूबलेस देख पाओगे। अपाची की फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है, यहाँ पे आप 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देख पाओगे। एवेंजर की दोस्तों फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 13 लीटर की है। दोनों बाइक की डिज़ाइन पे दोस्तों सब कुछ डिफरेंट देख पाओगे आप। चलिए दोस्तों, अब दोनों बाइक की इंजन को देख लेते हैं। अपाची का जो इंजन है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI BS6 इंजन 159.7 cc का। मैक्स पावर इसकी 15.53 PS 8400 RPM। मैक्स टॉर्क इसकी 13.9 Nm 7000 RPM। एवेंजर की जो इंजन है, 4-स्ट्रोक 2-वाल्व सिंगल सिलेंडर DTSI 160 cc का इंजन है। मैक्स पावर इसकी 14.6 BHP 8500 RPM। मैक्स टॉर्क इसकी 13.7 Nm 7000 RPM। इसकी माइलेज 1 लीटर पे करीबन 45 किलोमीटर है। अपाची की जो पीछे की सस्पेंशन है, यहाँ पे आप मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक विथ स्प्रिंग एड सस्पेंशन आप देख पाओगे। एवेंजर की जो पीछे की सस्पेंशन है, यहाँ पे 5-स्टेप एडजस्टेबल विथ शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आप देख पाओगे। चलिए दोस्तों, अपाची की बैकलाइट को देख लेते हैं। यहाँ पे काफी स्टाइलिश बैकलाइट के डिजाइन आप देख पाओगे और ये LED है, ये बल्ब नहीं है। एवेंजर की जो बैकलाइट की डिजाइन है, ये भी काफी नाइस है, ये बल्ब है, LED आप देख नहीं पाओगे यहाँ पे। दोस्तों डिजाइन पे दोनों बाइक के अंदर कोई भी पार्ट्स पे आप मैच देख नहीं पाओगे, सभी पार्ट्स पे डिफरेंट है। अपाची के पीछे की ब्रेकिंग पे आप ड्रम ब्रेक देख पाओगे, 200 mm का ड्रम ब्रेक। एवेंजर की दोस्तों पीछे की जो ब्रेकिंग है, यहाँ पे भी आप ड्रम ब्रेक देख पाओगे, 130 mm का ड्रम ब्रेक यहाँ पे आप देख पाओगे। अपाची की पीछे की टायर की साइज पे आप 110/80/17 का साइज आप देख पाओगे। एवेंजर की जो पीछे की टायर की साइज है, यहाँ पे 130/90/15/66P ट्यूबलेस टायर देख पाओगे। एवेंजर की मीटर कैपेसिटी पे आप यहाँ पे स्पीड मीटर एनालॉग, बाकी सब यहाँ पे डिजिटल आप देख पाओगे। और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी नाइस एंड स्टाइलिश है। फुल नेकेड बाइक के हिसाब से इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा फ्यूल मीटर भी आप देख पाओगे। अपाची का RPM मीटर जो है वो एनालॉग, बाकी सब डिजिटल आप देख पाओगे। ये दोनों के दोनों बाइक अपने अपने जगह पे एकदम परफेक्ट बाइक है। दोनों के कीमत पे भी थोड़ा सा ही डिफरेंट आप देख पाओगे। अगर मुझे पूछा जाए कौन सा बेस्ट है, तो मैं इन दोनों बाइक में से अपाची को चॉइस करूंगा, क्योंकि यंग जनरेशन अपाची को ही चॉइस करेगा। दोनों बाइक के पार्ट्स पे ज़्यादा तो डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। आप कौन सा खरीदना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।